जिसकी राजधानी है दोहा और जिसके इस वक्त बादशाह है शेख तमीम। और ये 26 लाख लोगों पर मुश्तमिल मुल्क है, मगर सबसे ज्यादा मालदार मुल्क इसलिए है कि यहाँ तेल की पैदावार भी है और गैस भी पैदा होती है। ये मुल्क कबल मसीह 400 बरस पहले आबाद था। यहाँ कतरी लोग आबाद थे और उन्हीं के नाम पर इस मुल्क का नाम कतर हुआ। और यहाँ पर मछली की पैदावार होती थी और मछली के साथ साथ इस जगह लोग मोती निकाला करते थे और मोती बहुत कसीर तादाद में होता था, जिसे कतरी मोती कहते थे। और उसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम जब आया तो मक्के और मदीने से बहुत सारे अफराद तबलीग हक के लिए यहाँ आए और यहाँ पर दो कौमें और दो मसलक आबाद हुए, एक शिया और दूसरे सुन्नी। सुन्नियों की तादाद ज्यादा है, शिया कम है, मगर यहाँ मस्जिदें बड़ी आलीशान है। और मस्जिदों को आप देखेंगे तो अंगूश बुलंदा हो जाएंगे। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, कुछ मस्जिदें हमने सेलेक्ट की हैं कतर से, दोहा से, और उसको आप मुलाहजा कीजिए। और यहाँ पर तकरीबन 10 इमाम बारगाहें हैं और उन इमाम बारगाहों में बहुत अजीम अजीम और बड़ी बड़ी इमाम बारगाहें हैं। और उन इमाम बारगाहों में जहाँ कतर के शिया अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं, वहीं इंडो पाक के बहुत सारे मोमिन भी अज़ादारी इमाम हुसैन बरपा करते हैं। और इंडो पाक से ज़ाकरीन जाते हैं, नवा खान जाते हैं, बरसिया खान जाते हैं और अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं। अभी गुज़िश्ता 2020 में इमाम बारगाह को सील कर दिया गया, जिसमें हमारे दोस्त हैं मेरठ के मौलाना मोहम्मद अली साहब, जिनकी तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पे देखें। वो वहाँ पर मजलिसें पढ़ते थे, वहाँ पर वो महफिलें पढ़ते थे, वहाँ पर वो सारे के सारे इस्लामी उमूर को खिदमत दीन मुबीन में मसरूफ थे। और मगर चूंकि वहाबियत के साए में ये मुल्क है और सऊदी अरब से टाई अप किया हुआ ये मुल्क है, इसलिए यहाँ पर तशय्यों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तशय्यों तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये छोटे से मुल्क में लोगों को सहमा सहमा करके, और चूंकि ये मुल्क उस्मानी सल्तनत के जेर तसल्लुत भी रहा है परसों, इसलिए वही फिक्र वही सोच और बनी उमैया बनी अब्बास और तमाम एम्पायर्स की सोच इस मुल्क में बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा लोग हैं। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत, जहां मस्जिदें बहुत हैं, जहां पर मस्जिदों की तामीर और मस्जिदों की खूबसूरती, मस्जिदों का सही और अलग अलग अट्रैक्शन आपको मिलेगा, वहीं इमाम बारगाहों में भी आपको मौला हुसैन का नाम, उनका तस्करा अरबी जबान में, पर्शियन जबान में और उर्दू जबान में, बल्कि हर जबान में आपको मिलेगा। इसलिए कि जहां खुदा का घर है, वहां इमाम हुसैन का भी घर आपको मिलेगा। तकरीबन 10 मस्जिदों में, और मस्जिदों में इमाम हुसैन की मजलिसें बरपा होती हैं
और बहुत तो खूबसूरत तमाम बारगाह आप हमारी स्क्रीन पे भी देखें। हम आपके लिए मतलब वहां की मस्जिदों की और इमाम बारगाह दोनों की, इसलिए जहां जहां हम भी खुदा है वहां वहां है हुसैन, ये दोनों तस्वीरें आप देखें और दिल बाग बाग आपका हो जाएगा कि किस कदर यहाँ पर आपको मौला हुसैन का नाम लेने वाले अफराद मिलेंगे, इसलिए कि यहाँ पर सादात इकराम की आमद भी बहुत हुई है। सादात इकराम भी तशरीफ लाए और हम इस सिलसिले में जिस इमाम बारगाह में बहुत बड़ा हुसैनिया है उसमें उन्होंने ताला लगा दिया है, वहां के मेंबर उठा ले गए, वहां की जरी उठा ले गए। हम इस सिलसिले में ईरानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो दबाव डाले और तरे हुसैन वहां खुलना चाहिए, इसलिए कि इमाम हुसैन का जिक्र कम नहीं हो बल्कि ज्यादा से ज्यादा होता रहे, क्योंकि शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, ज़बान किसी की हो, हर शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, जमाने घर के घरानों में घर हुसैन का है, और हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है, और कहां पे खत्म करोगे हुसैन की मंजिल। ऐ कतर के बादशाहो, ऐ दोहा के हुक्मरानों, कहां पे खत्म करोगे हुसैन की मंजिल, कहां पे खत्म करोगे हुसैन की मंजिल, के आंसुओं में अभी तक सफर हुसैन का है। जब तक आंखें हैं, जब तक अश्क हैं, जब तक आंसू हैं, तो हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन सारी दुनिया में होंगे और सारी दुनिया हुसैन की होगी। तो हजरात देखते हैं, अगर आपको मासूमीन और बनी हाशिम के खानदान के अफराद की मुख्तसर मुख्तसर हिस्ट्री देखनी है तो आप जरूर जरूर एक नंबर से लेकर के 42 नंबर तक देखिए, और अगर आपको अस्हाबे बावफा जो मासूमीन की उनको देखना है तो 43 से लेकर के 55 तक देखिए, और अगर आपको इस्लाम दीन और हिंदुस्तान देखना है तो आप 56 से लेकर के 60 तक देखिए, और अगर आपको इस्लाम और हिंदुस्तान देखना है तो 61 से लेकर के 71 तक देखिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान देखना है तो 72 से लेकर के 146 तक, और अगर आलमी अज़ादारी आपको देखना है तो 147 से लेकर के 166 तक आप जरूर लहजा करिए। हम हर कंट्री और हर इलाके की अज़ादारी को आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। आबे साकी ये आतश पर जो नजर जाएगी, याद मासूम सकीना की बहुत आएगी, लाश पर तेरी जहां रो ना सके ले हरम, लाश पर तेरी जहां रो ना सके ले हरम, एक जमाना है वहां आज तेरा मातमदार, जब शाम सगर जमाना तुझे रोए, आपास तेरा हक है जमाना तुझे रोए, जिंदगी दे वो करम, झूला सगर का रखा है जहां एक हुजरे में, ऐसा लगता है वहां मां किसी एक कोने में, घूम कर खूब रहल खूब सदा देती है, घूम कर खूब रहल खूब सदा देती है, आंखें तो खोलो मेरी संत तो देखो एक बार, ढूंढने जाती है तो बोलो आंखें खोलो, सिवर बहन बुलाती है।
حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زمانہ، زندگی دے کرم۔ جب مقام علی اکبر پہ پڑھوں گا نوحہ، آئے گی صغرا کے رونے کی مدینے سے صدا۔ آج بھی ناش پہ ماں سے ہے نالیاں روتی ہیں، آج بھی ناش پہ ماں سے نالیاں روتی ہیں، باپ کی آج بھی ہے لاش جوان پہ یہ پکار۔ خبر دے کے دن اکبر جوانی تے مرنے کے دن اکبر جوانی تے مرنے کے دن زندگی دے کرم۔ خیمہ گا دیکھ کے یاد آئے گا منظر سارا، جب آخری رخصت کو غریب زہرا۔ شور گریا سے قیامت کی فضاؤں میں بپا، شور گریا سے قیامت کی فضاؤں میں بپا۔ بہن کہتی تھی یہ کرتے ہوئے بھائی کو سوار، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہوتی ہے کٹے ہاتھوں سے دیکھوں گا تا۔ زائروں کو یہاں ملتی ہے وفا کی سوغات، زائروں کو یہاں ملتی ہے وفا کی سوغات۔ مانگو صدقے میں سکینہ کے سجا ہے دربار، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے۔ سامنے کاٹا گیا بھائی کا گلا، سے زینب نے چھری بھائی پہ چلتے دیکھی، سے زینب نے چھری بھائی پہ چلتے دیکھی۔ کہ مقتل کو چلی روتے ہوئے وہ غم خوار، جاری ہے زینب